कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राज आते ही नकली मावा और नकली दूध फिर से बिकने लगा। दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स करके शिवराज सिंह चौहान पर हमले भी बोले। उन्होंने कहा कि कल की मेरी भोपाल और सीहोर जिले की यात्रा का एक और अनुभव, कमलनाथ सरकार ने जो शुद्ध के लिए युद्ध प्रारंभ किया था उसके कारण नकली मावा और नकली दूध बनना बंद हो गया था और असली दूध बेचने वाले किसानों का दूध लगभग 8 रुपए प्रति लीटर महंगा बिकने लगा था। वहीं दूसरी ट्वीट में उन्होंने लिखा, लेकिन मामा का राज आते ही नकली मावा और नकली दूध फिर बिकने लगा। नतीजा, असली किसान का असली दूध फिर 8 रुपए प्रति लीटर कम बिकने लगा। अब बताओ, किसानों का सही हितैषी कमलनाथ है या फिर फर्जी कंस मामा है? अब समय आ गया है मामा भगाओ भाजपा भगाओ, कमलनाथ लाओ कांग्रेस लाओ। आपको बता दें कि पूर्व में कमलनाथ सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट ने नकली दूध और मावा बनाने वालों पर खूब नकेल कसी थी और मिलावटखोरों पर रासुका लगाने के आदेश भी दिए थे।